हे दोस्तों, वापस स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं फिर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, जो है क्रिप्टो करेंसी क्या है, ये कैसे काम करती है और क्रिप्टो करेंसी के क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। एक वक्त था जब दुनिया में कोई करेंसी नहीं थी, सिर्फ वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन होता था, जिसे हम बार्टर सिस्टम के नाम से जानते थे। बार्टर सिस्टम में यह होता था कि जब किसी को गेहूं चाहिए होता था तो वो जिसके पास चावल होता था वो उसके साथ एक्सचेंज कर लेते थे, और पुराने सभ्यताएं और पुराने जमाने में लोग अपनी नीड को इसी तरह ही पूरा करते थे। फिर जैसे जैसे दुनिया इवॉल्व हुई, लोगों के पास सोचने और समझने की क्षमता आई, उसके साथ ही नोट और सिक्के अस्तित्व में आए और लेन देन का तरीका पूरी तरह बदल गया, और आज यही नोट और सिक्के हमारे मुख्य करेंसी है। लेकिन इसके अलावा भी एक करेंसी है जो पूरी तरह डिजिटल है, इसे ही क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है। आज दुनिया के हर देश के पास अपनी करेंसी है, जैसे भारत के पास रुपया है तो अमेरिका के पास डॉलर है, इसी तरह सऊदी अरब के पास रियाल है, इसी तरह बाकी देशों के पास भी अपनी अपनी करेंसी है। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि करेंसी होती क्या है। एक ऐसी फाइनेंशियल सिस्टम जो किसी देश के द्वारा मान्यता प्राप्त हो और वहाँ के लोगों के द्वारा धन के माध्यम के रूप में इस्तेमाल की जाती हो, साथ ही जिसकी कोई वैल्यू हो, करेंसी कहलाती है। आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं तो जिसके बदले कोई गुड्स या सर्विस खरीदी जा सके, उसे ही हम करेंसी कहते हैं। जैसे कि 50 रुपए के नोट से आप फल खरीद सकते हैं, इसीलिए वो करेंसी है। लेकिन 500 रुपए के पुराने नोट से आप कुछ भी नहीं खरीद सकते, क्योंकि न तो सरकार उसे मान्यता देती है और न ही उसकी कोई वैल्यू है, इसलिए वो करेंसी नहीं है। आमतौर पर करेंसी को कागज या धातु के टुकड़ों यानी सिक्कों पर प्रिंट किया जाता है, इसलिए इसे फिजिकल करेंसी कहते हैं। इसे छूना और पर्स में लेकर घूमना पॉसिबल होता है, जबकि क्रिप्टो करेंसी के साथ ऐसा नहीं है। क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल करेंसी भी कहा जाता है। यह एक तरह का डिजिटल एसेट है जिसका इस्तेमाल गुड्स एंड सर्विस की खरीदारी के लिए किया जाता है। यह भी एक करेंसी की तरह ही होती है, बस इसका नेचर डिजिटल है, जबकि दूसरी जो करेंसी हमारे देश में इस्तेमाल होती है वो फिजिकल है। क्रिप्टो करेंसी में प्रत्येक ट्रांजेक्शन का डिजिटल सिग्नेचर के द्वारा वेरिफिकेशन किया जाता है और क्रिप्टोग्राफी की मदद से उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं तो क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस्ड एक वर्चुअल करेंसी है जो क्रिप्टोग्राफी द्वारा सुरक्षित है। इसे कॉपी करना लगभग इम्पॉसिबल है। क्रिप्टो करेंसी का फिजिकली कोई अस्तित्व नहीं है, ये डिजिट्स के रूप में ऑनलाइन रहती है, और सबसे खास बात यह है कि ये पूरी तरह डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी इस पर किसी भी देश, सरकार या एजेंसी का कोई कंट्रोल नहीं होता। इसलिए शुरुआत में इसे इल्लीगल करार दिया गया, लेकिन बाद में बिटकॉइन की लोकप्रियता को देखते हुए कई देशों ने इसे लीगल कर दिया। लेकिन कई देश अभी भी क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ हैं। हालांकि क्रिप्टो करेंसी को नोट और सिक्कों के रूप में प्रिंट नहीं किया जाता, लेकिन इसकी अपनी एक वैल्यू है, यानी कि क्रिप्टो करेंसी एक आम करेंसी की तरह है जिससे आप कोई सामान खरीद सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं या फिर आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इन्हें आप अपनी तिजोरी में नहीं रख सकते और न ही किसी बैंक में रख सकते हैं, क्योंकि यह एक डिजिटल करेंसी है। इसलिए इसे डिजिटल मनी, वर्चुअल मनी, इलेक्ट्रॉनिक मनी के रूप में भी जाना जाता है। अगर बात करें क्रिप्टो करेंसी वैल्यू की तो इसकी वैल्यू फिजिकल करेंसी से कहीं ज्यादा है, और कुछ टॉप क्रिप्टो करेंसी की वैल्यूज तो डॉलर से भी 1000 गुना ज्यादा होती है। लेकिन एक सच यह भी है कि यह वैल्यू स्टेबल नहीं रहती है, यानी कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट में बहुत तेजी से उतार चढ़ाव होते हैं। दिन में कई बार इनकी वैल्यू कभी बढ़ते हैं तो कभी घटते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करती है। क्रिप्टो करेंसी असल में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करती है, यानी कि इसमें जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसका रिकॉर्ड रखा जाता है और पावरफुल कंप्यूटर के द्वारा इनकी निगरानी की जाती है। जब क्रिप्टो करेंसी में कोई ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो उसकी जानकारी ब्लॉकचेन में दर्ज कर दी जाती है, यानी कि उसे एक ब्लॉक में रखा जाता है और उस ब्लॉक की सिक्योरिटी और इनक्रिप्शन की जिम्मेदारी उस एक माइनर्स की होती है। इसके लिए वो एक क्रिप्टोग्राफिक पहेली को हल करके
उस ब्लॉक के लिए एक उचित हैश ढूंढता है, यानी एक कोड ढूंढता है। जब कोई माइनर सही हैश ढूंढकर किसी ब्लॉक को सिक्योर कर लेता है तो उसे ब्लॉकचेन में जोड़ दिया जाता है और दूसरे नोड्स यानी कंप्यूटर से उसे वेरीफाई किया जाता है। इस प्रोसेस को कंसेंसस कहा जाता है। हालांकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रखे जाते हैं जिसके साथ कोई भी छेड़छाड़ ना कर सके, कोई भी हैक ना कर सके। इसलिए क्रिप्टो करेंसी, NFT या जो भी सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर ही आधारित होते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन को सुरक्षित रूप से रखने की एक टेक्नोलॉजी है जो इंफॉर्मेशन के साथ छेड़छाड़ को मुश्किल और इम्पॉसिबल बनाती है। यह ब्लॉक की एक चेन होती है जिसमें कई सारे ब्लॉक होते हैं और प्रत्येक ब्लॉक एक क्रिप्टोग्राफिक हैश यानी एक कोड के द्वारा प्रोटेक्टेड होती है। इसलिए किस ब्लॉक के अंदर क्या छुपा है ये जानने के लिए सही हैश यानी सही कोड की जरूरत पड़ती है। इसलिए क्रिप्टो करेंसी और NFT जैसे टोकन को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड किया गया है, क्योंकि आफ्टरऑल ये एक करेंसी है जिससे कुछ भी खरीदी जा सकती है। अगर इसके साथ छेड़छाड़ होती है तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए कई एक्सपर्ट ये कहते हैं कि जो हार्ड करेंसी है उसके साथ तो कोई भी छेड़छाड़ कर सकता है, जाली नोट मार्केट में आ सकते हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के साथ छेड़छाड़ करना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। चलिए अब मैं आपको कुछ टॉप क्रिप्टो करेंसीज के बारे में बताता हूँ। क्रिप्टो करेंसी का नाम सुनते ही दिमाग में एक ही नाम आता है, वो है बिटकॉइन। लेकिन बिटकॉइन इस दुनिया की एक अकेली क्रिप्टो करेंसी नहीं है, इनके अलावा भी हजारों क्रिप्टो करेंसी है जिसके बारे में लोगों को ज्यादातर पता नहीं है। बिटकॉइन के अलावा कुछ अदर क्रिप्टो करेंसीज हैं, इथेरियम, रिपल, डॉगी क्वाइन, लाइट क्वाइन, वॉइस क्वाइन, मोनेरो, कॉस्मस आदि। चलिए अब मैं आपको क्रिप्टो करेंसी मार्केट के बारे में बताता हूँ। क्रिप्टो करेंसी मार्केट यानी कि वो जगह जहाँ क्रिप्टो करेंसी की खरीद फरोख्त या ट्रेडिंग की जाती है, इसे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, डिजिटल करेंसी एक्सचेंज, कॉइन मार्केट और क्रिप्टो मार्केट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं या इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि मोनेरो, इथेरियम, बिटकॉइन, वॉइस क्वाइन, रेड क्वाइन एंड लाइट क्वाइन में। यहाँ आप फ्लैट मनी यानी कागजी मुद्रा को क्रिप्टो करेंसी में और क्रिप्टो करेंसी को कागजी मुद्रा में बदल सकते हैं। अगर बात करें टॉप क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज की तो इस लिस्ट में टॉप वेबसाइट हैं बिनांस, कॉइनबेस, बिटफ्लायर, बिट स्टाम्प आदि। crypto.com भी एक टॉप क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज मार्केट हैं। अगर बात करें इंडियन क्रिप्टो करेंसी मार्केट की तो भारत में कॉइन DCX, कॉइन स्विच और WazirX सबसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी मार्केट हैं, जिसकी मदद से आप बिटकॉइन से लेकर इथेरियम, डॉगी कॉइन और ट्रॉन्स जैसे सैकड़ों कॉइन खरीद सकते हैं और इंडियन रूपी में पेमेंट कर सकते हैं। भारत में WazirX सबसे पॉपुलर और भरोसेमंद क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। चलिए अब मैं आपको क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल करने के कुछ फायदे और नुकसान बताता हूँ। जब क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल की बात आती है तो हमारे मन में एक सवाल जरूर उठता है कि आखिर क्यों करें इस्तेमाल हम क्रिप्टो करेंसी का, इसके क्या फायदे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल के बहुत सारे फायदे हैं। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जिसमें फ्रॉड की गुंजाइश बहुत ही कम है। क्रिप्टो करेंसी को खरीदना, बेचना और इन्वेस्ट करना बहुत ही आसान है क्योंकि इसके लिए कई सारे डिजिटल वॉलेट्स अवेलेबल हैं। डिजिटल करेंसी के लिए किसी बैंक की जरूरत नहीं पड़ती। क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है क्योंकि इसके रेट में तेजी से उछाल आता है। क्रिप्टो करेंसी एक सिक्योर करेंसी है और इस करेंसी को किसी भी राज्य और देश के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता। क्रिप्टो करेंसी की अगर बात की जाए तो ये नॉर्मल डिजिटल पेमेंट से कहीं ज्यादा सिक्योर है। इसमें ट्रांजेक्शन फी भी बहुत कम लगता है कंपेयर टू दूसरे पेमेंट ऑप्शन के। चलिए अब मैं आपको क्रिप्टो करेंसी के कुछ नुकसान के बारे में बताता हूँ। हर चीज के दो पहलू होते हैं, इसी तरह क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल के भी कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान हैं। क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा नुकसान तो यही है कि इस पर किसी भी अथॉरिटी का कंट्रोल नहीं है।
यानी इसकी कीमतों को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। इसी वजह से इसकी कीमतें दिन में कई बार घटती और बढ़ती है, इसका रेट स्टेबल नहीं होता है। दूसरा नुकसान ये भी है कि ये एक डिजिटल करेंसी है जिसके साथ छेड़छाड़ और हैक किया जा सकता है, जैसा कि पहले ही एक क्रिप्टो करेंसी इथेरियम के साथ हो चुका है। तीसरा सबसे बड़ा नुकसान है इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल करना। मैं अपना लास्ट वीडियो डार्क वेब पर बनाया था और उसमें मैंने बताया था कि टेररिस्ट ग्रुप या कई सारे लोग हैं जो ड्रग्स खरीदने के लिए या चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए वो बिटकॉइन में या दूसरे क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट करते हैं। और जब आप किसी क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट करते हैं तो आपकी जो आइडेंटिटी है, जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं, उसका डिटेल सामने नहीं आता। इससे ये पता नहीं चलता कि वो कौन इंसान है जिसने पेमेंट किया और हथियार, ड्रग्स ये सब कहाँ डिलीवर किए, यानी उनकी आइडेंटिटी छुपी होती है। तो ये भी एक क्रिप्टो करेंसी के डिसएडवांटेज है कि इससे इलीगल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा मिलेगा। अगर आप अपने बिटकॉइन वॉलेट की पासवर्ड खो देते हैं तो आपके वॉलेट में जितने भी बिटकॉइन हैं वो सब बेकार हो जाएंगे, बिना पासवर्ड के आप उसे रिकवर नहीं कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या क्रिप्टो करेंसी लीगल है? तो इसका जवाब हाँ और नहीं दोनों है, क्योंकि दुनिया के अलग अलग देशों में इसका स्थिति अलग अलग है। कोई देश इसे लीगल करार दिया है तो कोई इसे इलीगल करार दिया है। फिर भी पिछले कुछ सालों में क्रिप्टो करेंसी की लोकप्रियता काफ़ी बढ़ी है, इसलिए कई देशों ने इसे पूरी तरह लीगल कर दिया है, जबकि अभी भी कई ऐसे देश हैं जो इसे इलीगल करार दिया है। ऐसे में भारत में बात करें तो 2021 के पार्लियामेंट के विंटर सेशन में एक बिल लाया जाएगा जिसमें यह अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को बैन कर देंगे। सरकार अपनी एक ऑफिशियल क्रिप्टो करेंसी बनाएगी जिसकी जिम्मेदारी वो RBI को देंगी। अगर हम बात करें प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी की तो उसमें बिटकॉइन, इथेरियम, डॉगी कॉइन वगैरह आते हैं। अगर ये बिल पार्लियामेंट से पास हो जाती है तो भारत में जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं वो सारे बैन हो जाएंगे। हे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अभी तक जो भी मैंने आपको जानकारी दी है वो आप समझ गए होंगे, और अगर फिर भी आपका कोई सवाल है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं अपने इस YouTube चैनल पर सोशल इश्यूज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी और जनरल इश्यूज से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। अगर आप इन टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस देखने में ज़रा सा भी इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे इस YouTube चैनल के प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर सकते हैं, जहां मैंने काफ़ी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन आपके साथ फ्री में शेयर किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।